दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच अब सरकार बदल गई है, लेकिन जिनकी वजह से ये सरकार बदली है वो है शिवसेना के बड़े कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे। उन्होंने पक्ष प्रमुख और पार्टी के साथ बगावत की और उसके बाद बीजेपी के साथ हो गया, और इसी कारण से शिवसेना में इस वक्त सियासी संकट मचा हुआ है। शिवसेना इस संकट से उभरने के लिए प्रयास कर रही है, नए सिरे से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। यह सब काम कैसे हो रहा है, किस तरह से संगठन को नई मजबूती दी जा रही है, मुंबई में इसका नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और जिनके नेतृत्व में ये शिवसेना को फिर से मजबूत करने की कोशिश चल रही है, जिला प्रमुख विठल मोरे साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सवाल हम आपसे यहीं शुरू करते हैं कि एकनाथ शिंदे चले गए, उनके साथ कई बड़े नेता चले गए हैं मुंबई के, उनके समर्थन में उतर गए हैं, तो फिर शिवसेना बची कहाँ है? बाला साहब जी ने जो अपने विचारधारा से शिवसेना की स्थापना की, और बाला साहब के बाद आज उद्धव साहब उनकी विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नेतृत्व को मानने वाली आज वो आम जनता है, उसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। महाराष्ट्र में अब समझो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कई धर्म के लोग हैं, लेकिन आज उद्धव साहब की जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्यों पिछले 2.5 साल के उनके मुख्यमंत्री रहने के कारण उन्होंने जो इंसानियत के तौर पर जो हर आदमी से अपना नाता जोड़ा, वो नाता इन लोग को आज भारी पड़ रहा है। श्री एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के एक तगड़े नेता बनाया, लेकिन आज उन्होंने कुछ 39 लोगों के आमदारों के साथ जो बगावत की, बगावत करने के वक्त वो आज भी बोल रहे हम शिवसेना के ही हैं, हम बाला साहब ठाकरे को साहब को ही मानते हैं, हम उद्धव साहब को भी मानते हैं, लेकिन हम सरकार बदलेंगे। अभी सरकार बदलने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा, बीजेपी में, लेकिन बीजेपी में जाने से वो डर रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, ये लोगों को फील हुआ तो उनके मन में वो डर है, इसके वो बोल रहे हम शिवसेना ही है, हमारी शिवसेना पक्की है, और आज बगावत करने के बाद में हम शिवसेना से अलग है ये बोलने की हिम्मत उनमें नहीं है। तो शिवसेना बची है आपको लगता है, इनके जाने के बावजूद भी अभी शिवसेना में है कुछ? देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं नवंबर का यहाँ पर नेतृत्व कर रहा हूँ, 21 तारीख के बाद जो घटनाएं घट रही है, शिवसेना बची है, शिवसेना मजबूत है, इसके वजह से इन लोग महाराष्ट्र में रुके नहीं, ये पहली बात है। यहाँ से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, और गुवाहाटी से गोवा आए। अगर उनमें इतनी हिम्मत होती शिवसेना के साथ लड़ने की, उद्धव जी के साथ लड़ने की, तो महाराष्ट्र में वो बगावत करके दिखाते थे, लेकिन बगावत किया और वो यहाँ से भाग गए। तो अगर शिवसेना नहीं है, कमज़ोर है, तो ये भागते नहीं थे। हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी आज बोल रहे हैं आमदार गए लेकिन आप दमदार बाकी है, आमदार गए लेकिन आप दमदार बाकी है, ये उनका नारा है। विधिमंडल पक्ष है, वहाँ पर शिवसेना कमज़ोर हो गई, हम समझ सकते मानते हैं, लेकिन जो आउटफील्ड है, हम लोग सारे महाराष्ट्र में, ये पूरे देश में आज शिवसेना कई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता है, वो कमज़ोर नहीं हुए। लोगों के मन में जो आक्रोश है, गुस्सा है, चिढ़ है, उससे लोग एकदम उभर उठे और ये लोग राह देखते हैं कि कानूनी लड़ाई तो चलते रहेगी, लेकिन जो जनता की लड़ाई है, जो हमारे वोटिंग बॉक्स के माध्यम से इलेक्शन आएगा, हम उनको दोबारा पार्टी मजबूत करके पूरा सत्ता को काबिज करना और लोगों के लिए सत्ता का उपयोग करना, यह शिवसेना का मकसद रहेगा। यहाँ पर देखें तो तमाम नगर सेवक जो शिवसेना के तकरीबन 39 नगर सेवक मुंबई में हैं, और तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, उपनेता हैं, आपके सांसद भी अभी नहीं पार्टी के साथ वफादारी कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं, नगर सेवक जा रहे हैं, आपके सांसद तक तैयार नहीं है। कई ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने अपना बैनर से फोटो तक निकलवा दिया है,
ये आपको निष्ठा कैसी लग रही है? मैं आपके बात से सहमत हूँ। तो नवीमय में जो पिछले 2-4 साल में कुछ लोग शिवसेना में आए या 2-2.5 साल में हम सत्ता पर होने के बावजूद या सत्ता पर होने पर उनको जो सपोर्ट मिलेगा ये सोचकर शिवसेना में आए, उन्हीं लोग आज शिवसेना से दूर हो रहे हैं। मैं सभी के बारे में उन्हें में से कुछ लोग पक्ष से दूर हो रहे हैं, ये बात सही है, हमें मालूम है। लेकिन जो स्टेटमेंट एक उपनेता ने किया कि हमारे साथ 36 कॉर्पोरेटर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार लोग कुछ डर के मारे थोड़ा आजू बाजू है, अभी तक उनका डिसीजन उनका खुद का मन का तैयारी नहीं हुआ है, लेकिन जब तक ये तैयारी होते उनको पूरा तसल्ली होगा कि उद्धव साहब आपको दोबारा सत्ता पर लाएंगे, आपको खासदार बनाएंगे, आपको आमदार बनाएंगे, आपको नगर सेवक बनाएंगे, आपको पार्टी का पदाधिकारी बनाएंगे। ये उम्मीद हम उद्धव साहब से कर रहे हैं कि उनके पास उन्होंने बोला ये हम पर संकट आया है, उस संकट को अब मौके में परिवर्तन करिए। इतने लोग गए, इतने आमदार गए, कुछ कॉर्पोरेटर्स गए, कुछ जैसे बोले आप जो खासदार लोग हैं उनके मन में भी डर है, तो इनके जगह पर हमारे जो दूसरे लोग जो निष्ठा से बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से और उद्धव साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं उनको सबको मौका मिलेगा। शिवसेना के जो तमाम नेता हैं वो जो कह रहे हैं अभी तक, जो खुद उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा कि जिन लोगों को बाला साहब ठाकरे ने बहुत कुछ दिया, जिन्हें पद दी, प्रतिष्ठा दी, आगे बढ़ने का मौका दिया, उनको अमीर बनने का मौका दिया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की। लेकिन जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिला वो आज भी शिवसेना और तीर धनुष के साथ। हमारे पक्ष प्रमुख उन्होंने वही बोला, शिवसेना भवन का भवन में भी हमारे जिला प्रमुख की मीटिंग होगी, उन्होंने यही बताया कि आपको मैं कुछ नहीं दिया और फिर भी आप मेरे साथ में हो, और जिनको भर भर के दिया वो गद्दार बन गए, उससे उसका मुझे चिंता नहीं है। ऐसे गद्दारों को हम सबक सिखाएंगे, दोबारा वो हमारे सामने या हमारे जनता के सामने, वोटर्स के सामने आएंगे, तभी हम ये परिस्थिति निर्माण करेंगे कि उनको यहाँ पर दोबारा लोक प्रतिनिधि होने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह का हम काम खड़ा करेंगे। हमारी जो इलेक्शन यंत्रणा है शिवसेना की, उसमें इतना टेक्निकली हम लोग इतने स्ट्रांग रहेंगे, कानूनी तौर पर स्ट्रांग रहेंगे। मुंबई के कार्यकर्ता अभी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि आगे पक्ष प्रमुख या जो शिवसेना है उन्हें कैसे मदद करेगी, कैसे उन्हें आधार देने की कोशिश की जा रही है, और जो शिवसेना अभी जो बिखरी है या जो कमजोर हुई है दिख रही है उसकी भरपाई कैसे होगी? श्री एकनाथ शिंदे ये पालक मंत्री थे और हमारे नेता थे, उनको नेता पद से अभी दूर किया है। पालक मंत्री ने अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उनके अधिकार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसका परिणाम नवीनमय पर होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, होगा, लेकिन वो सोचते हैं उतना नहीं हो सकता है। क्यों? मैं हमारे जैसा आपको बोला, मैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 बात किया हूँ। मैं कभी ऐसा 1,000 लोगों 500 लोग ऐसा साथ में नहीं बुलाया, 50 लोग 80 लोग 100 लोग, कल का मीटिंग में 200 लोग, महिलाओं को 60 महिलाएं प्रमुख, उनके पास बात करके हमें कॉन्फिडेंस आया कि हमारे कार्यकर्ताओं में के मन में जो आक्रोश है इस घटना के बारे में, एकनाथ जी शिंदे के बारे में, वो आक्रोश को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके ऊपर पूरा जो रिवेंज लेना है वो जरूर लेंगे। लेकिन हम लोग रिवेंज कैसे लेंगे? लोकशाही के चौकट में, डेमोक्रेसी के चौकट में बैठेगा वो कार्रवाई जरूर करेंगे, और नवी मुंबई ये प्रूव करेगी कि हम सारे लोग, सारे शिवसैनिक हम उद्धव जी के साथ में। शिवसेना का एक कैडर बना हुआ है और वो कैडर कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना का कैडर नहीं टूट रहा है, मैंने आपको बताया उसमें कुछ कॉर्पोरेटर जा रहे जो दूसरे पार्टी से हमारे पार्टी में है। अच्छा। उनको ये मालूम था कि शिवसेना भी नवी मुंबई का सत्ता पर आएगी, वहाँ भगवा लहराएगा और हमें मौका मिलेगा। जो स्वार्थी लोग हैं वो अपना स्वार्थ यहाँ पर नहीं होने
होने जा रहा है, इसके लिए वो पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में गए। अभी वो एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ गए या और कोई किसी पार्टी में गए, उससे हमें कुछ इतराज नहीं और उसको लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हमारे जो कैडर है, कैडर बेस्ट पार्टी हमारी शिवसेना है, उसमें जो हमारे शिवसैनिक है, फिर वो सीनियरिटी है, जूनियर है, जो भी है, जो ईमानदारी से हमारे मातोश्री के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने जो पार्टी को साथ दिया, ऐसे लोगों को ध्यान रखकर उनको पार्टी में तरक्की कैसे होगी इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ ही हमारी पार्टी की सदस्यता का नोंदनी शुरू हो जाएगा। उस नोंदनी में हमारे पक्ष प्रमुख, उनका जन्मदिन है 27 जुलाई को, तो पूरा महाराष्ट्र का एक टारगेट है या पूरा शिवसेना का परिवार का एक टारगेट है कि 25 लाख हमारे सदस्य बनेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं में असमंजस, उनका कहना है कि अभी सत्ता पक्ष में शिवसेना के ही मंत्री आ गए हैं, तो अगर हम उनके साथ नहीं जाते हैं तो हमारे खिलाफ बहुत सारे केस हो सकते हैं, हमारे दमे दबाने की कोशिश की जा सकती है, परेशान करने की कोशिश की जा सकती है। आप उन्हें कैसे आधार देंगे, पार्टी कैसे आधार देगी, पक्ष प्रमुख कैसे आधार देंगे कि वो बरकरार रहे उनका उनका संबंध? देखिए, शिवसैनिक एक लड़वाइया है, वो लड़ने से कभी डरता नहीं, और जो डरता है, जैसे एमएलए भाग गए, क्यों भाग गए? ईडी, अब ईडी को तो संजय राउत साहब भी फेस कर रहे हैं, बिल्कुल, अनिल परब साहब भी फेस कर रहे हैं, ऐसे कई शिवसेना के नेता फेस कर रहे हैं, तो वो तो पार्टी छोड़ के भागे नहीं। लेकिन जिनको गलत तरीके से उन्होंने कमाई की, पैसे कमाए, उनको ईडी का डर लगेगा। ऐसे ही हमारे पार्टी में, हमारे पक्ष में आज जो शिवसैनिक है, उनके मन में इस तरह का अगर डर है तो उनको हम नहीं रोकेंगे। भाई, आपको मन में डर है, आप जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, हमारे साथ रहना है। वो जो उन्होंने और उद्धव जी ने यही बताया, आपको हमारे साथ रुकना है तो लड़ना पड़ेगा। हमारे साथ रहना है, पार्टी में रहना है तो लड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, हमारे पास आमदार नहीं है लेकिन हम लोग दमदार हैं। आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव है, पहले ऐसा चल रहा था कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी कि इस बार शिवसेना का भगवा लहराएगा महानगर पालिका में, महापौर भी बनेगा, अब स्थितियाँ बदल गई हैं, क्या अभी टारगेट होगा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, स्थिति बदली नहीं, स्थिति हमारे फेवर में आ गई है। अच्छा, क्यों? ये जो गलत तरीके से जो आमदार, जो एमएलए गए हैं, अभी उनके मन में एक रात में हिंदुत्व आया, एक रात में हमारे पक्ष प्रमुख के विरुद्ध उनके मन में विचार आए, लोगों के मन में उनके बारे में घृणा है, तिरस्कार है। तो जब आप बोल रहे भगवा लहराने वाला था, कमजोर कौन हो गए? जाने वाले लोग कमजोर हो गए, जो पार्टी में है उनको जनता का, मतदाताओं का सपोर्ट भरपूर मिलेगा, और हमें पूरा विश्वास कि हम डेफिनेटली मेजॉरिटी में आने की पूरी कोशिश करेंगे। जो दूसरे दल हैं उनके साथ गठबंधन होगा, कुछ ऐसा अंदेशा है? देखिए, अभी परिस्थिति, इसके पहले भी हम लोग एकदम स्ट्रांग थे, लेकिन अभी ये परिस्थिति, हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी इसका निर्णय लेंगे, जब तक हम वेट करेंगे, लेकिन तब तक हम शिवसेना, शिवसेना और शिवसेना, जब उनका निर्णय आएगा, या गठबंधन के साथ रहिए या इंडिविजुअल लड़िए, वो जो निर्णय आएगा, जो आदेश आएगा, उस आदेश के मुताबिक हम चलेंगे। आप एक सीनियर लीडर के तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या एक अधिकारशाही का जो सिस्टम है शिवसेना में, उसे थोड़ा बदलना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए? अगर अपने फैमिली में कोई एक कर्तव्यगार बेटा है तो उसको अधिकार देंगे ना, लेकिन वो अगर बाप के साथ बेईमानी करता है तो बाप की जिम्मेदारी नहीं, बाप की गलती नहीं है, उसकी गलती है। वो जो जिस तरह सोच रहा है, हमेशा बाप बाप ही रहेगा। तो ईमानदारी बेटे ने रखनी है, लोगों को ये बात समझती है। शिवसेना एक विचारधारा है जो बाला साहब ने आम दुनिया का सामने रखा है, पूरे दुनिया का सामने शिवसेना का एक विचार रखा है, और उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। नया जो मुद्दा अभी उठा है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के इस गठबंधन को और नई सरकार को एक तरह से अभद्र युति है ये कह सकते हैं, या गैर संवैधानिक एक तरह का ये गठजोड़ बना है, तो ये चलेगा नहीं,
ये ममता बनर्जी की भविष्यवाणी है कि ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार भविष्य में चलने वाली ही नहीं है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन सिर्फ ममता बनर्जी मैडम से संबंधित नहीं है, ये शिवसेना के आइडियोलॉजी से संबंधित है। क्यों? जो भाजपा के लोग हैं, नेता है, उन्होंने ये सोच लिया भाई उनका मुख्य मकसद क्या है इसके पीछे, शिवसेना को खत्म करना। मैं विस्तार से बोल रहा हूँ आपको, शिवसेना को खत्म करना ये उनका मुख्य मकसद है। क्यों? हिंदुत्व का जो हमारा तगड़ा काम है हिंदुत्व के लिए, वो इतना तगड़ा या उतना करारी काम भाजपा नहीं कर सकती है। वो डरते हैं, जैसे हमारे राम मंदिर के बारे में वो बैकआउट किया, लेकिन बैकआउट कर शिवसेना नहीं, बाला साहब ने बोले अगर मेरे शिवसैनिकों ने तोड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। शिवसेना के सामने बीजेपी कॉम्पीट नहीं कर सकती है, और इसके लिए ये हमारे हिंदुत्व के पार्टनर नहीं रहने चाहिए। इसके लिए शिवसेना को खत्म करो, यही उनका मकसद है। वो मकसद से अभी शिवसेना पार्टी को तोड़ा है, यही सोचकर ममता दीदी ने जो बताया है कि 11 तारीख को अगर रिवर्स हुआ और न्याय हुआ तो शिंदे सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे उन शिवसैनिकों को जो अभी भी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ हैं, और उस शिवसेना के साथ हैं जो अभी इस वक्त सत्ता में नहीं? हम बाला साहब के विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आज उद्धव साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। शिवसेना में ऐसे कई हादसे हुए हैं, लेकिन शिवसेना कभी भी पीछे नहीं आई, शिवसेना हमेशा आगे गई। उसका कारण है कि हम जो काम करते हैं वो लोगों तक पहुंचता है, एक न्याय बुद्धि से काम करते हैं। मैं सभी शिवसैनिकों को ये विनती करता हूं कि हम वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और शिवसेना का आज एक अतिशय अच्छा जो मैच्योर्ड नेतृत्व आदरणीय उद्धव जी कर रहे हैं, और पूरे आम जनता का उनको सपोर्ट है। तो हम ये समझते हैं कि आपको जो भी शिवसैनिक आज उनके साथ में है, हमारे साथ में है, वो शिवसैनिक के मन में एक पक्का विचार आएगा या पक्का हम धीरज देंगे उनको, को सबको ये पार्टी ऊंचे स्तर पर लेके जाएगी, और हमेशा ये साथ में रहने के बाद पार्टी दोबारा सत्ता पर आएगी और एक ऊंचे जगह पर आपको सबको सम्मान मिलेगा। आपके मन में अगर किस तरह का भी डर होगा, उस डर को आप फेंक दीजिए। क्यों? हमारे साथ हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी का पूरा साथ है, पूरा सपोर्ट है, और जो भी परिस्थिति निर्माण होगी उसको उसके साथ लड़ने के लिए हमारी पार्टी पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से शिवसेना में इस वक्त सियासी संकट है, एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद जिस तरह से शिवसेना में बिखराव दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो शिवसेना का कैडर है, जो शिवसेना की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ता हैं, आज भी उसी दमखम के साथ शिवसेना के साथ जुड़े हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा TV1 India। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।